अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब कप्तान ऋतुराज से बिना पूछे चतुर चालक महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे से लिया रिव्यू, फिर हुआ कुछ ऐसा। धोनी का फैसला देखकर खुद ऋतुराज क्या, खुद एम्पायर और प्रीति जिंटा भी धोनी के आगे नतमस्तक होने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे धोनी ने अपने एक रिव्यू से पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया? आखिर क्यों कप्तान ऋतुराज की तरफ देखे बिना ही धोनी ने रिव्यू ले लिया? आखिर वो देखकर ऋतुराज क्यों हक्का बक्का रह गए? उस मजेदार लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे बेस्ट कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया के महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो विकेट के पीछे से भी मैच को पलट कर रख देते हैं, कप्तानी छोड़ने के बाद भी उनकी चालाकी कप्तानी स्किल में एक रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। यहाँ तक कि चेन्नई के खिलाड़ी भी अभी तक उन्हें अपना कप्तान मानते हैं। और आखिर ऐसा क्यों है, इसका एक खूबसूरत नजारा हमें पंजाब के खिलाफ भी देखने को मिला, जब महेंद्र सिंह धोनी ने एम्पायर के गलत फैसले पर कप्तान ऋतुराज की तरफ देखे बिना ही रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। और फिर जो हुआ वो देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत महेंद्र सिंह धोनी को सलाम करने पर मजबूर हो गया। जी हाँ, दरअसल धोनी ने पहले ही अपना काम कर दिया था। केवल 167 रन डिफेंड करते हुए उन्होंने पंजाब के लिए ऐसा माया जाल बुना कि उसके सामने पंजाब का हर एक बल्लेबाज घुटने टेक गया। आलम तो ये था कि 117 रनों पर पंजाब के 9 बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। अब केवल आखिरी विकेट की जद्दोजहद चल रही थी। इसी दरमियान जब पारी का 19वां ओवर लेकर रिचर्ड गलिशन आते हैं, उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे बाएं हाथ के बल्लेबाज कगिसो रबाडा। उनकी दूसरी गेंद को एम्पायर ने व्हाइट बॉल करार कर दिया। ये देखकर तो विकेट के पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी भड़क गए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ क्या। और तभी उस वक्त धोनी ने अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाते हुए बिना समय बर्बाद किए तुरंत एम्पायर के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया। जी हाँ, उन्होंने तुरंत एम्पायर को देखकर रिव्यू का इशारा कर दिया। ये देखकर दूर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ भी दंग रह गए, क्योंकि धोनी ने कप्तानी पहले ही छोड़ दी है और रिव्यू लेने का फैसला कप्तान का होता है। हर बार धोनी रिव्यू लेने से पहले कप्तान ऋतुराज से जरूर बातचीत करते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं किया। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि एम्पायर ने भी धोनी की बात मानकर उन्हें रिव्यू दे दिया। और फिर जब थर्ड एम्पायर ने ये डिसीजन दोबारा चेक किया तो पता चला कि धोनी तो बिल्कुल सही थे। वो गेंद ठिकाने पर गिरी थी और उसे वाइड नहीं दिया जा सकता था, इसीलिए थर्ड एम्पायर ने फिर धोनी का सम्मान रखते हुए ग्राउंड एम्पायर के फैसले को बदला और उसे गेंद को वाइड करार नहीं दिया। और स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर जैसे ही ये फैसला निकल कर आया, मानो पूरा स्टेडियम धोनी के नारों से गूंज उठा हो। यहाँ तक कि खुद कप्तान ऋतुराज भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए। एम्पायर ने भी धोनी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि DRS का फुल फॉर्म धोनी रिव्यू सिस्टम ही होता है। और क्यों, महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा चालाक क्रिकेट के मैदान पर कोई और नहीं है। इस लम्हे ने तो सच में धोनी के चाहने वालों की खुशियां 100 गुना कर दी, क्योंकि भले ही 42 साल के धोनी हो गए हों, लेकिन उनकी कप्तानी स्किल में जरा भी कमी नहीं आई है। वो आज भी उतने ही शातिर हैं जितना 15 साल पहले क्रिकेट के मैदान पर थे। अब तो ये लम्हा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद प्रीति जिंटा भी ये मोमेंट देखकर हैरान रह गई थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि कैसे धोनी की बात मानकर एम्पायर ने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पंजाब और चेन्नई में कौन करेगा प्लेऑफ में क्वालिफाई? क्या धोनी चेन्नई को IPL 2024 का चैंपियन बना पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब पंजाब की करारी हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने प्रीति जिंटा को कंधा देते हुए उन्हें सहारा दिया, उनसे मुलाकात की, तो प्रीति ने धोनी के सामने हाथ जोड़कर उनके सम्मान में जो किया वो खूबसूरत मंजर देखकर तो आपके भी दिल में धोनी और प्रीति के लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। तो आखिर क्यों महेंद्र सिंह धोनी अपनी हार के बाद बड़ा दिल दिखाते हुए प्रीति जिंटा के पास जा पहुंचे? आखिर प्रीति जिंटा ने कैसे धोनी के सम्मान में जोड़ लिए अपने हाथ? आखिर क्या था वो खूबसूरत लम्हा जिसे देखकर तो हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है? उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि चेन्नई और पंजाब में कौन प्लेऑफ में करेगा सबसे पहले क्वालिफाई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, IPL 2024 के महासंग्राम में पंजाब और चेन्नई के बीच अब तक के IPL इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला तो धर्मशाला के मैदान पर खेला गया, जहां चेन्नई अपनी पुरानी हार का बदला लेने के इरादे से आई थी। लेकिन शुरुआत में तो ऐसा लगा कि चेन्नई को पंजाब एक बार फिर बुरी तरीके से पीट कर उन्हें बेइज्जत करने वाली है, क्योंकि शुरुआत में तो पंजाब के आगे चेन्नई की एक न चली। उनके घातक गेंदबाजी के आगे चेन्नई का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। यहां तक कि थाला धोनी भी पहले गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए।
हालांकि अंत में जडेजा की 26 गेंद पर 43 रनों की बदौलत चेन्नई केवल 167 रन 20 ओवर में बना पाई थी। पंजाब ने सोचा कि इसे चेस करना तो बच्चों का खेल होगा, लेकिन बच्चों की तरह खिलवाड़ तो किया है उनसे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने एक बार फिर अपनी कप्तानी स्किल्स का डंका बजाते हुए अपने गेंदबाजों का ऐसा संगम बनाया कि धोनी के गेंदबाजों के आगे पंजाब कब घुटनों पर आ गया शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं हुआ। एक के बाद एक देखते ही देखते गेंदबाजों ने पंजाब के बल्लेबाजों को तहस नहस करके रख दिया। उनकी जीत के अरमानों को कब हवा कर दिया पता ही नहीं चला। खासतौर से धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक के बाद एक पंजाब के तीन सबसे बड़े बल्लेबाजों का शिकार कर पंजाब की अकेले धज्जियां उड़ा दी। अंत में पूरी की पूरी पंजाब केवल 139 रन ही बना पाई और धोनी की चेन्नई ने पंजाब के जबड़े से जीत को छीनकर पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया। ये देखकर तो जहां एक तरफ पंजाब के फैंस आंसू बहा रहे थे, वहीं खुद प्रीति जिंटा भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाई। वो तो बेहद मायूस थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके उस खूबसूरत चेहरे पर जो उदासी थी वो दिल चीर देने वाली थी, लेकिन उनकी यह हालत तो महेंद्र सिंह धोनी से देखी नहीं गई। धोनी तो अपनी जीत से बेहद बड़ा दिल दिखाते हुए जाते हैं। प्रीति जिंटा से मुलाकात करते हैं, प्रीति ने भी खुली बाहों से धोनी का स्वागत किया और धोनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ये नजारा देखकर तो साक्षी धोनी से लेकर खुद महेंद्र सिंह धोनी भी दंग रह गए थे कि आखिर प्रीति ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन प्रीति जिंटा इसीलिए तो सबकी चहेती है, उन्होंने अपने अतरंगी अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत उनके सामने हाथ जोड़कर किया। उनके सामने हाथ जोड़कर प्रीति जिंटा ने धोनी को उन्हें जीत की बधाई दी। वहीं धोनी ने प्रीति जिंटा को सहारा देते हुए न केवल उन्हें बाकी आईपीएल के लिए शुभकामनाएं दी, बल्कि उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें कंफर्ट देते हुए जो कर गए उनकी नजदीकियां देखकर तो साक्षी से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश उड़ गए। उन दोनों के बीच जो हुआ उसने तो सबको हैरत में डाल दिया। आखिर हो भी क्यों ना, प्रीति जिंटा ने शायद पहले किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन दोस्तों धोनी की महानता पर तो वो भी फिदा हो गए। वहीं तभी तो प्रीति ने धोनी का हाथ जोड़कर उन्हें सलाम किया और दिल से उनके रिस्पेक्ट को कई गुना बढ़ा दिया। यहाँ तक कि कई मीडिया सूत्रों का तो ये भी मानना है कि प्रीति जिंटा हाथ जोड़कर धोनी से पंजाब को ज्वाइन करने की अपील कर रही थी। इसके लिए उन्होंने धोनी को अगले साल से पंजाब में खेलने के लिए 25 करोड़ की सैलरी का ऑफर भी दिया है। हालांकि अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन प्रीति ने जो किया इस खूबसूरत लम्हे ने तो सच में सबका दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को क्या अगले साल से पंजाब के लिए खेलना चाहिए? पंजाब और चेन्नई में कौन सा आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में करेगा क्वालिफाई? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आए, तो वहीं पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रबाड़ा बेहद खतरनाक गेंदबाजी के नजारे दिखाए। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और पहले ओवर में केवल चेन्नई का स्कोर 6 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज अर्शदीप सिंह, लेकिन इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस मौके का बदला ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 12 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डैरिल मिचेल आ चुके थे। चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में केवल 13 रन बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और पंजाब की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर रबाड़ा, इनका स्वागत तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया और इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से अर्शदीप सिंह, इस बार इनका स्वागत डैरिल मिचेल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई करनी शुरू कर दी। चेन्नई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब टीम के कप्तान सैम करन को विकेट की तलाश थी और उन्होंने 5वां ओवर लेकर खुद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे और इस ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने केवल 7 रन बना पाए और टीम के स्कोर को 5 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बरार, इनका स्वागत इस बार खुद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ चेन्नई का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। गायकवाड़ का बल्ला रुका नहीं और चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर हरप्रीत की जमकर कुटाई कर दी। अंतिम गेंद पर डैरिल मिचेल ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले में 6 ओवर में 60 रनों तक पहुंचा दिया।
टीम के लिए सातवां ओवर लेकर आए कप्तान सैम कर्ण। इस ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने केवल 9 रन बना पाए और 7 ओवर में चेन्नई का स्कोर 69 रनों पर बन गया। वहीं पंजाब की तरफ से आठवां ओवर लेकर आए राहुल चहर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को दूसरा झटका लग गया और गायकवाड़ 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी राहुल की फिरकी में अगली गेंद पर शिवम दुबे भी अपना विकेट खो बैठे। बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 69 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और मैदान पर मोइन अली और डैरिल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 8 ओवर में चेन्नई के स्कोर 3 विकेट पर केवल 71 रन बन पाया। दोनों खिलाड़ी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर डैरिल मिचेल कॉयल ब्लू को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 76 रनों के स्कोर पर टीम का 4वां विकेट गिर गया।